ठीक होंगे, हेल्थ तो यस होंगे, खुश होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ काले चने, और ये मैंने सुबह भिगो दिए थे। इनको 2-3 घंटे भिगो कर रखना होता है, क्योंकि ये नरम पड़ जाते हैं और जो सही अच्छे गल जाते हैं। तो ये सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ये खाने चाहिए। शोरबे वाले बना कर ये बहुत अच्छे होते हैं, सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये जिनके खून की कमी होती है वो भी खा सकते हैं, ये खून पैदा करते हैं, ये पूरे गोश्त और मछली जितना हमें जो है ताकत देते हैं। तो ये बहुत आसान तरीके से आप लोगों को बता रही हूँ, रेसिपी बड़ी अच्छी है, तो इसी तरीके से बनाएं। और जो हमारे चैनल पे नए आते हैं, ये मैंने डाल दिए हैं। अब इसमें हमने 2 प्याज जो है वो काट लिए हैं, 2 प्याज ले लें आपने, जो बड़े हैं तो 1 ले लें, छोटे हैं तो 2 ले लें। तो ये हमने काट ली है। ये 2 मिर्चें थी पड़ी, वो मैंने काट ली, हरी मिर्च भी इसके साथ डाल देंगे। 2 टमाटर मैंने भरे लिए हैं, इनको मैंने छील लिया है, क्योंकि शोरबा बनना है ना इसका, तो वो शोरबे में छिलके जो है अच्छे नहीं लगेंगे, हमेशा काट कर डालें। जी 2 टमाटर डाल दिए हमने, ये थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया है ये डाल रहे हैं, साथ ही सारी चीज़ें डाल देनी है। और ये सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। और जो हमारे चैनल पर नए आते हैं, असल में पहले अजान आने लग पड़ी थी, तो जो हमारे चैनल पे नए आते हैं तो वो पूरी वीडियो देख लिया करें, लाइक कमेंट कर दिया करें और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। ठीक हो गया जी। अब हम जो है नमक मिर्च डालते हैं, 1 चम्मच हम नमक डालेंगे इसमें, और 1.5 चम्मच जो है वो हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च, और 1/2 चम्मच जो है वो हम इसमें सूखा धनिया डालेंगे, 1/2 चम्मच जो है हम इसमें हल्दी डालेंगे, और थोड़ी सी कलमंजी डालनी है, क्योंकि कलमंजी हर खाने में इस्तेमाल करनी चाहिए, ये सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। और जिन लोगों को खून की कमी होती है, कमज़ोरी होती है, वो चने सिर्फ नमक डाल कर, खाली नमक डाल कर उसको बॉईल करके, अच्छी तरह बॉईल करके उसकी चखनी पिए, तो वो इंशाल्लाह ताला सेट हो जाएंगे, चने बहुत पावर रखते हैं। मुनासिब पानी डालेंगे, क्योंकि अभी इनकी हमने भुनाई भी करनी है, गलाना है पहले, फिर इनकी भुनाई करनी है, फिर हमने शोरबा डालना है। ठीक हो गया जी। अब इसको घी भी इसके साथ ही डाल देते हैं। अब जो है इसी में आपने घी भी इसके अंदर ही डाल देना है। ठीक हो गया। सारी चीज़ें मिक्स डाल के तो इसको प्रेशर लगा देना है, 15 मिनट आपने प्रेशर लगाना है, तो इंशाल्लाह ताला चने काफ़ी देर भिगोने चाहिए, क्योंकि चने फिर भीगे हो तो अच्छे बन जाते हैं। लगा देते हैं 15 मिनट के लिए। चलिए जी, ये 15 मिनट के लिए हमने इसका प्रेशर लगा दिया, इधर साइड हवा चूल्हे को नहीं लगेगी। मामा थी वो जहाँ पे जॉब करती थी, तो वो वहाँ से लिए, उनको अर्जेंटली जाना पड़ा, कॉल आ गई थी, तो ये देख सकते हैं हम प्रेशर खोल देते हैं। तो ये हम जो है हमारा फ्राई हो गया है, इन्होंने घी छोड़ दिया है, तो ये देखें आगे की जो रेसिपी से ये देख सकते हैं चने फ्राई हो चुके हैं। अब ये जो पानी है ये हम ऐड करेंगे इसमें। ये मैंने पानी ऐड किया है शोरबे के लिए, तो ये देख सकते हैं के लिए। अब इसको प्रेशर लगाना है, फिर मैं आगे की रेसिपी आपको बताती हूँ। मैंने अब प्रेशर लगा दिया है 5 मिनट के लिए, तो हमने इसे शोरबा रखा है। तो अब जब आप अपने हिसाब से पानी डाल के अपना शोरबा बना सकते हैं, तो मैंने जितना आपके सामने डाल दिया है। तो अब ये 5 मिनट के लिए प्रेशर लगा है, तो बाद में आपको दिखा। 5 मिनट पूरे हो गए, आप हम चूना बंद करेंगे। तो ये मैं सीटी उठाऊंगी, अगर आप सूखे खाना चाहते हैं, मतलब हमारे चने भी तैयार हो गए और शोरबा देख सकते हैं। तो ठीक है जी, आज की हमारी रेसिपी इतनी थी, अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। तो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।